तो आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और अगर आप मंत्री हैं इस देश में या नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर कोई जज या कोई बड़े अफसर साहिबान हैं, तो क्या आप कानून से ऊपर हैं? भारत का संविधान तो सबको एक बराबर मानता है, संविधान के सारे अनुच्छेद सब पर लागू होते हैं और सबके लिए बराबर है, कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं आता है। कानून के सर्कल में जब सब बराबर, तो फिर कोई भी एक्शन होने पर हो हल्ला सेलेक्टिव क्यों होता है? अब मैंने आपसे ये क्यों कहा, उससे जुड़े हुए डिटेल्स आपको देती हूं। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इस वक्त इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आईटी रेड कोई नई बात नहीं, अगर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के ऑफिस में ये रेड हो रही है तो सोचिए जरा आप किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद बीबीसी से करते हैं। लेकिन बड़े देश में इस तरह की रेड्स कोई अजूबा भी नहीं है, इस तरह के रेड्स होते रहते हैं। यहां हल्ला इसलिए मचा है क्योंकि इस बार ये रेड बीबीसी पर पड़ी है, बीबीसी का रिएक्शन आया। और सोचिए जरा बीबीसी क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है हम सहयोग कर रहे हैं, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो शांत हैं। लेकिन अशांत कौन है? सियासत जबरन हाई हो रही है। ये वही बीबीसी है जिसने पिछले दिनों, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा है। कांग्रेस ने इस पूरे सीक्वेंस को जोड़ दिया और यह आरोप लगा दिया कि यह आईटी रेड दरअसल उसी डॉक्यूमेंट्री का बदला है। और तो और उसने इसे अघोषित आपातकाल भी बता दिया। जवाब में बीजेपी ने भी उसे पुराने आपातकाल की याद दिला दी और भी बहुत कुछ याद दिलाया, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आज की बहस हमारी इसी पर है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं, हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, राजीव पांडे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ आपको बता देते हैं कलीमुल हफीज एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, जल्दी से एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बीबीसी, पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अब जो नया नाम मिला है वो है बकवास भ्रष्ट कॉरपोरेशन। प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने के आरोपों में घिरे बीबीसी पर नया तूफान तब आया जब भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर एक साथ इनकम टैक्स के छापे की खबर फ्लैश हुई। दिल्ली के केजी मार्ग पर इस बिल्डिंग के पांचवें छठे फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर एक तरह से लॉक कर दिया गया, कर्मचारियों को बाहर निकलने से रोक दिया, उन्हें एक साथ बैठने को कहा गया, उनके फोन भी स्विच्ड ऑफ तक करा दिए गए ताकि आंखों देखे हाल का बाहर प्रसारण न करें। ऐसा ही मुंबई के सांता क्रूज वाले दफ्तर पर भी हुआ। इनकम टैक्स की रेड का मतलब पैसे धेले, कमाई से जुड़ा कोई मामला। इससे ज्यादा डिटेल नहीं आई, लेकिन सियासत तुरंत एक्टिव हुई और नतीजा भी निकाल लिया कि ये इनकम टैक्स का चक्कर नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ गुजरात हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सजा है, उसका बदला है। सबसे पहले कांग्रेस मैदान में आई, उसने एक्शन को अघोषित आपातकाल बता दिया। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के पीछे पीछे विपक्ष के दूसरे नेता भी आए और ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी, बहुत खूब, चौंकाने वाला। कांग्रेस ने आईटी एक्शन को आपातकाल का नाम दिया तो बीजेपी ने तुरंत इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और प्रेस का हाल याद दिलाया। फिर बीजेपी के प्रवक्ता भी जल्दी से सामने आए, आते ही सबसे पहले बीबीसी का नया नामकरण किया। ये कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीजेपी ने बीबीसी की तरफदारी के लिए कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए, ये भी याद दिलाया कि बीबीसी पर इससे पहले कांग्रेस के वक्त भी प्रतिबंध लगे थे।
देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। जब आपकी सरकार थी तो प्रतिबंध लगाया गया, जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। थोड़ी देर में बीबीसी की भी सफाई आ गई। बीबीसी ने ट्वीट करके कहा, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, लंदन हेडक्वार्टर को जानकारी दे दी गई है। इनकम टैक्स की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। वैसे मोदी सरकार ने बीबीसी की सिर्फ डॉक्यूमेंट्री पर ही बैन लगाया है। ये मसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बीबीसी पर टोटली बैन 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। दिल्ली में बीबीसी पर 2 साल के लिए ताले डलवा दिए थे। वजह थी बीबीसी पर प्रसारित लुइस मैले की 2 डॉक्यूमेंट्री, कलकत्ता और फैंटम इंडिया। आरोप था कि इसमें भारत की इमेज बिगाड़ कर पेश की गई थी और इसे बहुत गए गुजरे देश के रूप में दिखाया गया था। ये भी दिलचस्प है कि तब बीबीसी पर बैन के लिए कांग्रेस सांसदों ने ही आवाज उठाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ। पहला सवाल राजीव पांडे जी आपसे, और सवाल वही जो कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। आप पर 2 आरोप लग रहे हैं सर, एक तो आप प्रेस की आजादी पर प्रहार कर रहे हैं, दूसरा कांग्रेस इसे अघोषित आपातकाल बता रही है, आपका जवाब। देखिए आदित्य जी, 2-3 बातें हैं। ये जब कोई एक एजेंसीज है, एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। आपने देखा है कि किस प्रकार से चाइना की 3-4 कंपनियों ने किस प्रकार से टैक्स का घोटाला किया, और जब उनसे पैसे वसूले गए और उनके यहाँ छापेमारी हुई तो अब उसमें से तो 2-3 कंपनी इंडिया छोड़ करके निकल गए उधर बाहर की ओर। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के कानून का उल्लंघन करेगा तो भारत में उसके खिलाफ एक्शन होगी। जहाँ तक जो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ये सर्वे चल रहा है अभी कि क्या ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कोई घालमेल है, क्या आप कोई लॉज जो है इंटरनेशनल लॉज जो है क्या का नॉन कॉम्प्लायंस है, क्या टैक्स के लॉज का नॉन कॉम्प्लायंस है, क्या आपने अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट किया, जो चाइनीज कंपनियों के केस में आपने देखा होगा। सर, आप एजेंसी द्वारा जांच की बात कर रहे हैं, राजीव जी आप एजेंसी द्वारा जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर जो पॉलिटिकल आरोप है सर, आप पर आरोप लग रहा है आप बीबीसी से बदला ले रहे हैं सर, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आप पर आरोप लग रहा है ये वैचारिक आपातकाल है, आप पर ये अघोषित आपातकाल का आरोप लग रहा है, आपका जवाब। क्या हुआ आपातकाल के बारे में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बात कर रही है। इस देश ने डिक्लेयर्ड आपातकाल भी देखा है, इमरजेंसी देखा है, और इसी देश में अभी तो ये सर्वे की बात चल रही है, रेड भी नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं लॉयर हूं, सर्वे में और रेड में अंतर है। तो अभी तो ये सर्वे की बात चल रही है, इसी कांग्रेस पार्टी ने जब इमरजेंसी लगी और उससे पहले भी 2 साल के लिए बीबीसी को बैन किया। हम ये कह रहे हैं कि आप और जहां तक है कि 2 डॉक्यूमेंट्री आई बीबीसी की, सेकेंड डॉक्यूमेंट्री तो चल रही है आदित्य जी, सबने देखा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री में अगर आप झूठ फैलाएंगे, अभी मुकेश सिंह के केस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो निर्भया गैंगरेप केस में जो एक्यूज था उस पर भी एक डॉक्यूमेंट्री चली, जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्री ठीक नहीं है। तो देखिए बीबीसी जो है वो भारत के को बैड लाइट में दिखाने का प्रयास करता है, और आज के डेट में कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारत को बैड लाइट में भी दिखाने का समर्थन करती है। ठीक है, अब इस पे जवाब दीजिए। कुलदीप जी कह रहे हैं बीबीसी बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाता है भारत के खिलाफ, लेकिन आप मोदी विरोध में, आपको भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी कोई एतराज नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। उनका बहुत सम्मान होता है विदेशों के अंदर। अरे अगर लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई दिखाएगा तो आप क्या उसको बैन कर दोगे, उसके ऊपर जाके रेड करोगे आईटी की? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से डर चुकी है, बौखला चुकी है। एक लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया है वो देश का 4th स्तंभ है, और वो 4th स्तंभ जो है देश के सामने सच्चाई रखने का काम करता है। और अगर आप मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाकर तानाशाही के द्वारा सरकार चलाना चाहते हो तो ये तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का हनन है, और इस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी आज करने का काम कर रही है। और इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने बैन लगाया, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? अगर आपको लगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत था, देश विरोधी था, मोदी जी के विरोध में था, भाजपा के विरोध में था, केंद्र सरकार के विरोध में था, कुछ भी था, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको कोर्ट जाना चाहिए था उस टाइम ही। आप तो राजीव पांडे जी वकील भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बड़े वकील हैं, वो कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता था कि डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है वो सब सच है, और सच जब दिखाया जाएगा जनता के सामने तो निश्चित रूप से जनता की आंखों के आगे जो पर्दा है वो हटेगा। और आज तानाशाही से हमने सुना था कि विपक्षी नेताओं पे ईडी रेड करती है, सीबीआई रेड करती है, इनकम टैक्स रेड करती है, और पीछे देखा गया पत्रकारों के यहां भी रेड करी, जेल में डाला गया पत्रकारों को, जजों को धमकाया गया, और आज तो बीबीसी को जिस प्रकार से उसके यहां रेड करके ये दिखाया गया, भारत की छवि को आप समझ लीजिए कि कल के हेडलाइंस क्या होने वाली है, आज गूगल पर क्या चल रहा होगा, कल पूरी दुनिया के हेडलाइंस में क्या होगा कि भाजपा के सरकार ने, भारत की सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री से डरकर उसके बीबीसी के कार्यालय में रेड कराई, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज मोदी सरकार पूरे देश का जो सर है वो सर से झुका रही है, ये कह रहे हैं सर्वे चल रहा है। अभी एजेंसी ने कहां अपना जो फैसला है वो सुनाया है, कहां पर एजेंसी ने कुछ कहा है? पॉलिटिक्स उससे पहले ही हो गई, बीबीसी ने काम सहयोग कर रहे हैं, बीबीसी शांत है, सियासत अशांत है सर, सियासत अशांत है। आप कह रहे हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, सर चौथा स्तंभ है, बिल्कुल है सर, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस चौथे स्तंभ को भी इम्पार्शियल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, किसी देश के खिलाफ एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए। मैं आपसे यह कहूंगी, कलीमुल हफीज बीबीसी के लिए आज मैं देख रही हूं बहुत आवाजें उठ रही हैं सर, बहुत आवाजें। वैसे अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन टैक्स पेयर के पैसे पे चलता है, ये रॉयल चार्टर जो है यूके में उससे गवर्न्ड है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये कोई पैनलिस्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये वही बीबीसी है जिसने प्रिंसेस डायना का इंटरव्यू झूठ बोलकर हासिल किया था और इसके लिए बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी। बीबीसी के चेयरमैन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे थे। ये वही बीबीसी है जिसने 2011 में ये माना था कि उसकी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग जो रिपोर्ट है वो फेक थी। ये वही बीबीसी है जिसने 2019 में डैमेजेस पे किए थे यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति पोरोशेंको को। तो ये जो अनबायस्ड, ये जो फेयर, ये ऐसे शब्दों का जो आप इस्तेमाल सुन रहे हैं ना, निष्पक्ष, सच, ये सब इंसिडेंट्स भी आपको याद रखने चाहिए जब आप बीबीसी के बारे में सुन रहे हैं। कलीमुल हफीज, सियासत बहुत हो रही है तो बीबीसी का भी अपना एक इतिहास है, कम से कम एजेंसी को काम तो करने दीजिए आप, उसके बाद फैसला सुनाइएगा। देखिए आदित्य जी, आप एक सुपर पैनलिस्ट की तरह हैं और एंकर भी हैं, आप जो बात कह रही हैं वो देश सुन रहा है, लेकिन हमें दो तीन बातें कहनी है। आपकी फ्रेटर्निटी की बात है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मैं भी मेंबर हूं, लेकिन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदा इसको कंसर्न शो किया है और इसको लिखा है कि ये भारत सरकार का दमनात्मक कार्रवाई है। दूसरी बात पे आता हूं मैं, 2013 में आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बाकायदा अपनी वीडियो को ट्वीट भी करते हैं, कहते हैं कि DD1 और आकाशवाणी पे भारतवासियों को भरोसा नहीं रहा है, जब वो बीबीसी देख लेते हैं तब उनको भरोसा होता है। अच्छा, अब इसको भी छोड़ दीजिए, एक दैनिक भास्कर अखबार है वो पूरे हिंदुस्तान सर, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर, जो जिन्हें जगह नहीं मिल सकी, उनको गंगा के किनारे पे जगह नहीं मिली, जब वो खबर छापता है तो 14-15 जगह दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आईटी का छापा लगता है। सर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। नहीं मैडम, मुझे ये बताइए आप कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई खबर सरकार के खिलाफ छाप दे तो उसके खिलाफ ये दिन दहाड़े छापे मारता है, और किसी मीडिया हाउस पे क्यों नहीं मारता? और जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिनको गोदी भी कहा जाता है, इनके सब चीजें पाप धुले हुए इनके। नहीं नहीं सर, आप जिसे जो बुलाना चाहे वो तो खैर आपकी इच्छा है सर, क्या क्योंकि आप यहाँ मंच पर मेरे साथ बैठे हैं तो मैं हमेशा आपके बात जानते हैं। नहीं नहीं, मुझे शब्द पर सख्त आपत्ति है सर, इस शब्द पर इस मंच में बैठकर सख्त आपत्ति है, और आप ये बात जानते हैं,
सवाल पूछना काम है, ना मैं रबिश मीडिया हूं ना मैं गोदी मीडिया हूं सर, उन दोनों के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। तो प्लीज जो मेरे सवाल है, मैंने बीबीसी का एक इतिहास रखा आपके सामने, उस पर आप मुझे जवाब दीजिए प्लीज। मेरा पॉइंट ये मैडम कि क्या अभी इकोनॉमिस्ट ने अपने फ्रंट पेज पे मोदी जी और अडानी जी की फोटो लगाई थी, क्या उसका बदला तो नहीं ले रही है सरकार? ये तो हमें तो यही लग रहा है कि ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दिन दहाड़े जनाजा निकाला जा रहा है, ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात हैं और इसकी मजम्मत हम करते हैं। और ये देश नहीं, नहीं, आपको ये कैसे लगता है? आपने क्योंकि ये क्लेम किया, क्योंकि एक पब्लिकेशन ने, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तस्वीर छापी, तो उसका बदला बीबीसी से लिया जा रहा है, इसका क्या आधार है? अब ये बताइए आप मुझे कि ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं मैडम, जब एक अखबार ने उसके फ्रंट पेज पे मोदी जी और अडानी जी की एक साथ तस्वीर लगाई, तो कहीं उसका बदला तो नहीं ले रही है भारत सरकार? ठीक है, आप जवाब लीजिए राजीव पांडे। सरकार कह के नहीं ले रही है, ठीक है, आप बदला ले रहे हैं भाई। मैं पहले सवाल में भी आपसे यही पूछा था, अब फिर वही पूछ रही हूं। आपके ओपोनेंट्स, आपके विरोधी एक ही बात कह रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं। देखिए अदिति जी, मैं एक बात बताता हूं, ये अभी उन्होंने कहा कि दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया वो कहेगी जो भारत अब है ना, पिछलग्गू वाला देश नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं परसों की भी जो बात है कि वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि मोदी जी बात करें यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए पुतिन से, तो यह पहले वाली बात नहीं है। इसलिए आप ये दुनिया क्या कहेगी नहीं कहेगी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अदिति जी, मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि ये बीबीसी के बारे में कम से कम 12 इंस्टेंस मैंने निकाले हैं जिसमें बीबीसी ने ब्रिटेन में क्या क्या गंदगी की, लेकिन यह समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दो तीन। 2010 में इन्होंने एक पब्लिकेशन किया जिसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसके बाद 18 जून 2011 में इन्होंने एक पब्लिकेशन किया जिसमें जेरूसलम कोर्ट के बारे में झूठ बोल दिया, यह इजराइल की खबर थी। 2010 में फिर एक डॉक्यूमेंट्री चलाया जिसमें इन्होंने एक हाउसिंग एस्टेट जो लॉरेंस वेस्टर्न में था उसके बारे में झूठ खबर चला दी। अब ऐसी कम से कम 12 खबर है मेरे पास जो नेट पे अवेलेबल था कि इसमें इस बीबीसी ने फेक न्यूज चलाया। मेरा यह कहना है, ये एक दूसरा विषय है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक्शन लिया। पहली वह बात, एक बात बता दूं अदिति जी, वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बीबीसी हो, सीएनएन हो, एक्स हो, वाई जेड, अगर भारत के कानून को तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, कानून सम्मत कर। इंडिया में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट है, वो गलत काम करते हैं, तो क्या वो जर्नलिस्ट है इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? बीबीसी के बारे में या कोई लॉयर है तो उसके खिलाफ केस नहीं चलेगा? क्योंकि दर्शकों को बीबीसी के बारे में आज और जानना और समझना चाहिए। बीबीसी का कुछ इतिहास मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह बीबीसी पहले भी अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, अपने काम को लेकर विवादों में रहा है, कैसे उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली से माफ़ी मांगनी पड़ी प्रिंसेस डायना के को झूठ बोलकर इंटरव्यू हासिल करने के लिए, या फिर इसके अलावा अपनी ही रिपोर्ट को उसने फेक करार दिया था। 2011 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी। बीबीसी, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये रॉयल चार्टर से गवर्न है और ये टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। लेकिन एक काउंटर में लेना चाहती हूँ सर, एक काउंटर में लेना चाहती हूँ, आप काउंटर ले लीजिए। कुलदीप कुमार ये कह रहे हैं के केस अगर में गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक सेकंड, कलीमुल हफीज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक सेकंड। पहले मैं कुलदीप जी से काउंटर ले लेती हूं, उसके बाद मैं आपको दे दूंगी मंच वापस। 40 भाषाओं में समाचारों का प्रसारण करता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे आज भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दिया बीजेपी ने। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस से प्रबंधन है और इसी से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगी हमारी इस बहस के दौरान आगे, क्योंकि तब आपको ये समझ में आएगा ये जो दावे हैं इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, अनबायस्ड, ये जो शब्द हैं, कैसे इन शब्दों पर दोबारा मंथन करने की जरूरत है, खासतौर पर जब बीबीसी की बात की जाती है। और इसीलिए उन्हीं की पार्लियामेंट का ये डॉक्यूमेंट मैं यहां पर लेकर आई हूं। लेकिन उससे पहले कुलदीप कुमार, आप जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से आपका जवाब। अदिति जी देखिए, इस दुनिया ने ना बहुत सारे अहंकारी शासकों को देखा है और जिनको लगता था कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आखिर में लास्ट में जीत जो है वो लोकतंत्र की होती है, डेमोक्रेसी की होती है, सत्य की होती है, और जीत सत्य की होगी। और आज केंद्र सरकार को, मोदी जी को भी लग रहा है कि उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो उसको दबा देंगे,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आवाज दबने वाली नहीं है मोदी जी, आपके जो काम है ना, आपके जो कर्म है उस तरह से दबने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से आप आज लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात हो, चाहे जजेस की बात हो, चाहे निष्पक्ष पत्रकारों की बात हो, चाहे किसी अखबार की बात हो, चाहे चैनल की बात हो, और आज बीबीसी पर रेड मार के तो आपने साबित भी कर दिया कि आप जो आपके खिलाफ आवाज उठेगी आप उसको दबाने का काम करेंगे। तो आज मैं तो कहता हूं अदिति जी, आपको भी इस समय साफ खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कल आप भी इनके खिलाफ बोले, सुनिए ध्यान से, हो सकता है कल आप भी इनके खिलाफ बोले, आपके भी छापा पड़ जाएगा। कुलदीप जी सुनिए मेरी बात ध्यान से, अदिति त्यागी ने कभी जिंदगी में गलत काम किया नहीं सर। अदिति त्यागी किसी भी एजेंसी का सामना करने में सक्षम है, किस लिए? क्योंकि अदिति त्यागी ने कभी कुछ गलत किया नहीं, ठीक है ना। मैं डर में यकीन रखती हूं, मैं ना नकारात्मक सोच में यकीन रखती हूं। मेरा जो आपसे सवाल है वो ध्यान से सुनिए और उस सवाल का जवाब दीजिएगा, अदिति त्यागी को छोड़ दीजिए अभी के लिए। सवाल ये है, अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है तो जांच पर ही इतना हंगामा क्यों है सर? अदिति जी, किसी के यहां पर भी जो सर्वे चल रहा है, इनकम टैक्स की टीम गई है, आज से पहले क्यों नहीं भेजी भाजपा के लोगों ने? इनको बीपीसी के बारे में इतना कुछ पता था तो, केंद्र सरकार को पता था तो क्यों नहीं भेजा? इनको पता था ये देश विरोधी चैनल है, ये देश के खिलाफ काम करता है, इन्होंने क्यों नहीं भेजा आज से पहले? क्योंकि आज बीबीसी ने इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाई और इन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटाया, उसे हर जगह से हटाने का काम किया। और मैं तो कहता हूं ये तो बड़ी कोर्ट की बात करते हैं, अगर इनको लगा कि वो कुछ गलत था तो इनको कोर्ट जाना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट जाते, ये हाई कोर्ट जाते, ये कहीं भी जाते, ये क्यों नहीं गए कोर्ट में हटवाने के लिए? कुलदीप जी, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलता दीदी जी, ना 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 सर, तो रेड मारने से पहले कोर्ट से परमिशन लेके आते सर, या सर्वे करने से पहले परमिशन लेके आए कोर्ट से? अदिति जी, नहीं नहीं, आप मेरी बात को गलत कोर्ट मत करिए, आप मेरी बात को गलत कोर्ट मत करिए। मैं कुछ गलत मैंने कहा आपने जो बोला, मैं उसी संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, मैं कोर्ट नहीं कर रही आपको। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं नहीं मैंने कहा, मैंने कहा कि अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में इन्हें कुछ गलत लगा था तो इनको कोर्ट जाना चाहिए था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अलग है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये जो एक्शन लिया आईटी डिपार्टमेंट ने उस पर बात कर रही हूँ। आप दोनों इश्यूज को मिक्सअप कर रहे हैं कुलदीप जी, आप जानते हैं मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ और इश्यूज को मिक्सअप नहीं होने देती। देश की जनता, नहीं नहीं मुझे पता है कितनी डिबेट करते हो जनता के लिए, देश के लोगों को सब पता है दीदी जी, 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 जी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता है और आईटी के छापे के बारे में पता है और सबको पता है, इतिहास के बारे में भी पता है, और उससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में जब बीबीसी बैन हुआ था तब के बारे में भी पता है, इस देश में इमरजेंसी के बारे में भी पता है, देश में मौजूदा मीडिया के बारे में भी पता है, इससे पहले जो मीडिया एग्जिस्ट करता था पुरानी सरकारों में सबके बारे में पता है, सबके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, क्या बात नहीं हुई अदिति जी? अदिति जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, जो सुधीर चौधरी जी करेंगे वही आप करोगे? अरे सर आप भूल जाइए ना सर, सुधीर चौधरी क्या करते हैं उसके लिए अदिति त्यागी कैसे अकाउंटेबल होगी? ये कौन सी बात? आप उनसे जाकर उनके चैनल पर बात कीजिए सर, आप अदिति त्यागी से बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप भारत एक्सप्रेस पर बैठे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, अदिति त्यागी से बात कीजिए और तार्किक तौर पर बात कीजिए। तार्किक तौर पर बात कीजिए, इंदिरा गांधी जी ने किया वही मोदी जी करेंगे क्या? वही केंद्र सरकार करेगी क्या? जो इंदिरा गांधी जी ने किया उन्होंने बैन किया तो ये बैन करेंगे? क्यों चलाया 8 साल तक इन्होंने, क्यों नहीं किया 8 साल पहले बैन? अच्छा तो आपको इस बात पर आपत्ति नहीं? एक सेकेंड, आपको इस बात पर आपत्ति नहीं है कि बीबीसी पर एक्शन हो रहा है? आपकी आपत्ति इस बात पर है कि बीबीसी पर 8 साल बाद क्यों एक्शन हो रहा है, ऐसा है? अदिति जी नहीं, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब मोदी जी के खिलाफ रिलीज होती है, सच्चाई देश के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसके इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। क्योंकि वो चैनल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मैं बात करना नहीं चाहती, लेकिन आप जो बार बार सच्चाई सच्चाई का जिक्र कर रहे हैं सर, नहीं नहीं एक सेकेंड, आप बीबीसी की किस सच्चाई पर बात कर रहे हैं सर? चलिए मैं आपसे पहले आज ये समझ लेती हूँ, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। किस सच्चाई पर बताइए मुझे, क्या गुजरात के दंगों में, क्या गुजरात के दंगों में मोदी जी का हाथ नहीं था, गुजरात सरकार का हाथ नहीं एक था? सेकेंड, आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट कहां से मिली थी? कुलदीप कुमार, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट कहां से मिली थी? नहीं नहीं आप बताइए पहले मुझे, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट कहां से मिली थी? आप अदालत को मानते हैं, इस देश की सर्वोच्च अदालत को मानते हैं या नहीं मानते? मुझे सिर्फ इतना बताइए, देश की सर्वोच्च अदालत को सर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, तब से आप मुझे पढ़ा रहे हैं।
मीडिया चौथा स्तंभ होता है, जुडिशरी भी इस देश में एक मजबूत स्तंभ है। आप सेलेक्टिव हैं सर, आप ये बताइए ना, आप देश की सर्वोच्च अदालत को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मुझे। सेलेक्टिव आप है, अरे सेलेक्टिव आप है सर। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट किसने दी? को मानता हूँ मैं तो बाबा, मैं तो, अरे आप ही बोलेंगे तो आप ही बोल लीजिए चैनल पे। अरे बोलिए ना, जवाब दीजिए, जवाब देता हूँ आपकी बात का। हम तो बाबा साहब अंबेडकर के, हम तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सबको मानते हैं। अगर भाजपा वाले मानते थे तो उस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कोर्ट जाते ना, क्यों नहीं गए कोर्ट में ये? अच्छा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपको इस बात पर दिक्कत हो रही है, आईटी की कार्यवाही चल रही है, आपको इस बात पर दिक्कत हो रही है, दो इश्यूज को आप मिक्सअप कर रहे हैं सर। तो सुनिए, इस देश में अदालतें जो है कुलदीप जी, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं सर, जुडिशरी भी बात करते हैं ना सर, सुन लीजिए ना, जब भी कोई सर सुन लीजिए, 1970 की डॉक्यूमेंट्री भी देश के खिलाफ, 23 की भी देश के खिलाफ, बातें दोनों रजीम, दोनों सरकारें सेम कर रही हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अब 70 की डॉक्यूमेंट्री आपने आज से पहले दिखाई नहीं, मेरे दर्शकों को दिखा देनी चाहिए थी आपको, उसके बारे में बता देना चाहिए था। आज तो आप भी पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, आपको पता लग गया। मेरा कहना यह, देश के लोकतंत्र पे जब भी कोई खतरा मंडराएगा, उसके खिलाफ कोई बात करेगा, हम उसकी आवाज उठाएंगे। और आज ये देश के मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, जो जनता की बात को रखने का काम करता है, देश की बात को रखने का काम करता है, उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जाएगी तो हर मीडिया के स्तंभ, जितने भी मीडिया चैनल है, मैं तो कहता हूं सबको इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे तो कल आपके चैनल के ऊपर छापा लगेगा, नियम भी होते हैं, नियम भी होते हैं जो बैंड है, अगर आपने वो भी बैंड थी, ये भी बैंड है, मैं दोनों में से कोई नहीं खिलाफ कह दिया, कुलदीप जी वो भी बैंड थी, ये भी बैंड है, नहीं दिखाऊंगी मैं कानून में। अभी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई दे रहे थे ना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूं मैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कानूनों को अदालतें अपहोल्ड करती हैं, उसी पर बेस्ड कानून के तहत देश की सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिसे आप नहीं मानते हैं, जिसे आप नहीं मानते हैं। आप कहते नहीं बीबीसी सच दिखा रहा है, देश की अदालत ने सच नहीं बताया, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए राजीव पांडे, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। अरे सर मैं समझ गई ना, मीडिया पे भरोसा, ना एजेंसी पे भरोसा, ना अदालत पे भरोसा, अब जनता की अदालत में ना कह दीजिएगा कि जनता पे भरोसा नहीं है। वैसे नरेंद्र मोदी ने 2 बार जनता की अदालत में, जनता की अदालत में पेशी दी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर भी विचार कीजिएगा कि जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी पास हुए या फेल हुए थे। ठीक है राजीव पांडे जी, अदिति जी दो बातें, 2002 के दंगे पर जो झूठ की फैक्ट्री बनाई, उसको जब सरकार ने रोक दिया तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उस विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके अगेंस्ट में अगर वो डॉक्यूमेंट्री है जो झूठ फैलाने की कोशिश करी है, तो ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है, इसको रहने दीजिए। जहां तक बात है जो बैठे हुए हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, उनको ये नहीं पता कि 1970 में डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है। अरे सर एक सेकेंड, कुलदीप जी आप बोल रहे थे तो वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, अब सुन लीजिए ना जवाब, बोलिए राजीव जी। 2004 अदिति जी मेरी बात सुनिए, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, इन्होंने चार्जशीट फाइल किया होता, इन्होंने फेक केस में हमारे अभी जो के करंट जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं उनको इन्होंने फर्जी केस में फंसाया, वो बाइज्जत बरी हुए। मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लॉ के इमोशन से क्यों डरते हैं? अरे प्रधानमंत्री जी को 18 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, 3 महीने तक हमारे गृह मंत्री जी को इन्होंने इलीगली डिटेन किया, और फाइनली वो आज फ्लाइंग कलर के साथ बाहर आए, बाइज्जत बरी होकर के निकले। मेरा ये कहना है बीबीसी को खाली ये पूछने के लिए कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो कि नहीं, ये रेड भी नहीं है अभी, अभी तो ये केवल देखभाल करने जा रहे हैं हम। जो इनकम टैक्स के अधिकारी है वो जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, और उसी में इनकी इतनी हालत खराब हो रही है। और जहाँ तक बात है कि बीबीसी ने, मैं बार बार आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नहीं, लेकिन एक सवाल उठा राजीव जी यहाँ पर, ठीक है राजीव जी, एक सवाल उठा था, ये कह रहे हैं ये सब कुछ आपको बीबीसी की उस विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद याद आया, इनका आरोप आपकी टाइमिंग को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई 2014 में आई,
आपने जो चाइनीज कंपनियों पे रेड कब हुए उसमें तो 5 साल लग गए, 6 साल के बाद रेड हुआ, तो ये कहेंगे आप आते ही क्यों नहीं कर दिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब कोई लीगल एक्शन होता है अदिति जी, उससे पहले बहुत हो सकता है ये जो आज जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन पर काम 3 साल से चल रहा हो, ये इनको क्या पता है, हो सकता है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुआ हो। मतलब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी इनकम टैक्स की इस प्रकार की जो कार्रवाई है ना, वो महीने, 2 महीने, 1 महीने के वर्किंग पर नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो टैक्स की चोरी है या इवेजन है या जो ट्रांसफर है प्रॉफिट्स का इलीगल तरीके से, इसके लिए समय लगता है अदिति जी। और एजेंसीज, मैं एक बात और बताता हूँ, कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले एक डॉक्यूमेंटेशन होता है अदिति जी। जैसे आज अगर किसी सरकार को किसी के खिलाफ कोई एक्शन करनी है ना, तो वो एक लेवल पर हायरार्की में जाकर के परमिशन होता है। हो सकता है कि जो उनके फाइनेंस सेक्रेटरी हो, या मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बिना परमिशन के इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती, इसको आप समझिए। हो सकता है कि इस कार्रवाई जो शुरू हुई है, इस कार्रवाई का जो जड़ है, वो हो सकता है 1 साल पहले से शुरू हुआ हो, ये मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं, आपका प्रयत्न मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन ये आप विपक्ष को समझाइए ना सर, ये आपको ऑपोजिशन को समझाना है, जो आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जो आप पर बदले का आरोप लगा रहे हैं। खैर, मैं बीबीसी का स्टेटमेंट भी दिखाना चाहती हूँ, राजीव जी वापस आपको मंच दे दूंगी, वापस आपको मंच दे दूंगी। उनको आप नहीं, बीबीसी क्या कह रहा है, बीबीसी कह रहा है हम सहयोग कर रहे हैं, बीबीसी कह रहा है हमने लंदन हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, बीबीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीएम है उत्तराखंड के, बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी। और यहाँ पर सवाल जो बीजेपी उठा रही है वो ये कह रही है, भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन के बचाव में कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही है, और वो याद दिला रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी तो इसी बीबीसी को बैन किया था। आज अगर अघोषित आपातकाल आप बता रहे हैं, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, तो आपने तो रियल इमरजेंसी लगाई थी, ये आपको बीजेपी याद दिला रही है, आपका जवाब। तो आप भाजपा वाले ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमने ये कृपा की है कि हम आपातकाल नहीं लगा रहे? उस समय हालात देश की बहुत नाजुक हो गई थी, इसलिए लगाना पड़ा, कुछ औचित्य रहा होगा, लेकिन बाद में हटा लिया गया, क्योंकि जब ये समझा गया कि ये गलत निर्णय है, और इंदिरा जी को लोगों ने उसके लिए दंडित भी किया कांग्रेस को, और क्या भाजपा यदि वही कदम का अनुसरण करेगी तो भाजपा वाले तैयार रहे, जनता उनको भी दंडित करेगी। देखिए, अब हम बीबीसी ने क्या कहा, क्या उनकी रिपोर्ट में है, हम उसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन आप उनके जवान को चुप करने के लिए ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता हो, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस हमारे देश की शान है, हमारे देश का अभिमान है। आप यदि उसको सप्रेस करेंगे और ये इंप्रेशन जाएगा कि बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री निकाली जिसमें कुछ सत्य जो छिप गए थे धरती के अंदर डाल दिए गए थे वो बाहर निकाल दिए, तो इसलिए उसको दंडित किया जा रहा है, तो आप कहीं पर भी न भारत की न प्रधानमंत्री मोदी जी की और किसी की भी हिमायत नहीं कर रहे हैं, किसी का भी हित नहीं कर रहे हैं। और मैं भाजपा के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस कदम की उनको भी निंदा करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि गलत हुआ है। नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है, जब हम अपने लिए उसका उपयोग करते हैं तो दूसरी संस्थाएं जो हमारे देश में काम कर रही है उनको भी उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जो भारत के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की साजिश रही है विदेशी मीडिया की, बीबीसी के मामले को तूल देकर, दरअसल विपक्ष जी विदेशी मीडिया की मदद कर रहा है। भाजपा के दोस्तों को आपके माध्यम से मैं एक बात याद दिला दूं, स्वीडन के एक अनाम रेडियो ने, जिसको स्वीडन के लोगों ने भी शायद बहुत खोज करके पाया होगा कि कौन सा रेडियो है, उसने बोफर्स की खरीद में कुछ दलाली की बात कही थी और सारे देश के अंदर हंगामा काट दिया गया था। हंगामा काटने वालों में भाजपा के लोग थे, नेतागण थे, अटल जी से लेकर के कोई नेता ऐसा नहीं था जो पीछे रहा, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि तथ्यात्मक नहीं है, लेकिन हमने कभी भारत में उस रेडियो को सुनने पर प्रतिबंध लगाने की
या उसकी कुछ उसके खिलाफ कोएर्सिव ऐसे एक्शन की बात नहीं कही, हमने तथ्यों के आधार पर उसको काटा, उसका जवाब दिया। तो बीबीसी का मुकाबला भी यदि करना है भाजपा को तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, कहना चाहिए नहीं जो बातें इन्होंने कही हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, जवाब लीजिए आप इस पर, जवाब ले लीजिए आप, जवाब ले लीजिए। तो ये भी कह दें कि राजीव पांडे जी से जवाब ले लीजिए सर, राजीव पांडे जी आपका जवाब सर। प्लीज ये कह रहे हैं कि बीबीसी को जवाब देने का सरकार का ये तरीका सही नहीं है। अदिति जी जरा क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। हरीश रावत जी यही कह रहे हैं कि बीबीसी को जवाब देने का सरकार का तरीका सही नहीं है। अब देखिए, अब बीबीसी जिसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है वो कह रही है कि हम सहयोग कर रहे हैं, हम कागज दिखा रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, और आज ये क्या कह रहे हैं कि बीबीसी को जवाब देने का तरीका, मतलब समझ में नहीं आता इनको कहां से जानकारी नहीं थी अटल जी को, इनको क्या खबर है। रावत साहब काफी सीनियर आदमी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए बीबीसी खुद कह रही है कि हमारे ऊपर जो हरी जी मैं वापस आपको मंच दे रही हूं सर, एक्चुअली अभी आपकी आवाज और यहां पर राजीव जी की आवाज ओवरलैप कर रही है सर, पहले उनका जवाब पूरा हो जाए, मैंने आपकी बात हमारे दर्शकों तक सुनवाई, अब आप राजीव जी का जवाब ले लीजिए और उसके बाद मैं वापस आपको मंच दूंगी। हरीश जी इंतजार कीजिए सर थोड़ा सा। अदिति जी मुझे केवल एक छोटी सी बात कहनी है कि ये जो एक्शन हुआ है वो लीगल बेसिस पे हुआ है, और अगर बीबीसी कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर किसी लीगल बेस पे नहीं होगा तो कल को वो कोर्ट जा सकते हैं। हरीश रावत जी को कहां से पता है कि ये इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, इनके पास कहां से इंफॉर्मेशन है, ये बीबीसी के वकील है या इनकम टैक्स में काम करते हैं? मुझे एक बात बताइए आप अदिति जी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, इवन दो और पैनलिस्टों ने बात नहीं की, रावत जी के पास कोई हॉटलाइन है क्या, वो इटली के थ्रू आया हो, मुझे नहीं पता है, हो सकता है उनके पास कनेक्शन हो इटली जाने की, क्या लंदन से डायरेक्ट इनको कॉल आ गया है, यहाँ बैठे हुए हरीश रावत जी भारत में सीधा बात कर सकते हैं, आप बात कीजिए ना सर, मुद्दे पर भी रहिए, मुद्दे पर आइए, हरीश रावत से कहा ना, हरीश रावत जी से इंफॉर्मेशन है इनके पास, ये ठीक है सर, जवाब से इंफॉर्मेशन है, सवाल पूछिए आप, मेरा सवाल है उनसे, ठीक है जवाब लीजिए उनसे। हरीश रावत जी, जी असल में ये तो भाजपा और बीबीसी के बीच में है, हम कहां कह रहे हैं, भाजपा को यदि गलत लग रहा है, उन्होंने तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो भाजपा को तथ्यात्मक बातें आगे लानी चाहिए, हम तो केवल एक बात जानते हैं, सत्य छुप नहीं सकता है, लेकिन जो तरीका आज अपनाया जा रहा है उस तरीके पे हमारी जरूर जो है ये ऐतराज है, क्योंकि उससे भारत के संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की फ्रीडम जिस पर हम गर्व करते हैं उस पर आंच आती है, इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा पे भी आंच आ रही है, इससे ये लग रहा है लोगों को कहने का, ये अपने विरोधियों को, हम जैसे विरोधियों को अवसर दे रहे हैं कि भाजपा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर नहीं करती है, तो ये तो अपने लिए वो कह रहे हैं, हम कुछ थोड़ी कह रहे हैं, ये हमने नहीं कहा है इस समय भैया, ये तो बीबीसी ने कहा है, बीबीसी कभी हमारे खिलाफ कहता था तो आप सर माथे पर रखते थे, आप पूजा करते थे, ओम बीबीसीआई नमः, ओम भाजपाई नमः, बीबीसीआई नमः, आज उन्होंने एक सत्य आपके खिलाफ उजागर कर दिया तो आपको मिर्ची लग रही है, आप उछलते फिर रहे हैं, आप ईडी इनकम टैक्स सारे एक्ट तलाश रहे हैं बीबीसी को चुप कराने के लिए, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन हरीश रावत जी फिर सवाल ये भी उठेगा कि अभी तो आईटी ने कुछ कहा ही नहीं, बीबीसी कह रहा है हम सहयोग कर रहे हैं, अदिति जी ये तो सियासत को जल्दबाजी क्यों है, बीबीसी के बीच नहीं है, अदिति जी मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, ये बीजेपी और बीबीसी के बीच में नहीं है, ये जो विषय है ये इनकम टैक्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और बीबीसी के बीच में, उसी की बात कर रही हूँ, सुनिए ना जवाब, हम एक सीमा से आगे बढ़ करके अपनी मान्यताओं परंपराओं संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है तो हमेशा आवाज उठती रही है, इस मामले में हम ये फील करते हैं जो संवैधानिक स्वतंत्रता है
जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाने की चेष्टा। ठीक है सर, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हरीश रावत जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं, बीबीसी के निष्पक्ष होने की बातें हमारे दर्शकों ने कई बार सुनी है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लेके आई जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उसका ये डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या है, जल्दी से, मेरे पास समय का अभाव है, दो बातें मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ। इसमें साफ तौर पर लिखा है, एक 2020 का इप्सोस मोरी सर्वे है जिसमें यह कहा गया कि ये जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज है ना, ये सीधे तौर पर किससे जुड़े हुए हैं, यूके के बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो उनका रोल रहता है बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज में, उनका रोल रहता है, तो ये कितने इंडिपेंडेंट हैं ये भी बहुत कुछ कहता है। तीसरा पॉइंट जो मैं दर्शकों के सामने लाना चाहती हूं, क्या काम करता है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, ये इनवैल्यूएबल है सॉफ्ट पावर के लिहाज से और यूके के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिहाज से। तो बीबीसी को लेकर ये सरकारी दस्तावेज है, ये भारत सरकार का दस्तावेज नहीं है, सरकारी दस्तावेज है जो कि टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, जो रॉयल चार्टर से गवर्न्ड है। उसका डॉक्यूमेंट कहता है कि बीबीसी एक मीडिया हाउस, एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसकी सॉफ्ट पावर है मिलिट्री पावर, आर्मी और जो आपके पास वेपन्स होते हैं, और सॉफ्ट पावर जहां आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं अपने बारे में पॉजिटिव, वो काम बीबीसी करता है यूके के लिए, ये बाकायदा उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करता है। ये तथ्य आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी थी, फैसला आपको करना है कौन सही कौन गलत। हरीश रावत जी, कुलदीप जी और राजीव पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।